Redmi Note 13 Pro Plus, ये स्मार्टफोन Redmi की लूटी हुई इज्जत को वापस ला सकता है। इन दिनों इंडियन मार्केट में Redmi की इमेज बहुत ज्यादा खराब है और इस खराब इमेज को सुधारने के लिए Redmi लॉन्च करेगा Redmi Note 13 Pro Plus 5G को। तो जो लोग इस फोन का वेट कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखना, फिर आपको इस फोन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा एंड आप लोग एक डिसीजन बना पाओगे कि आपको इस फोन का वेट करना है या फिर नहीं। देखो गाइस, जहां तक मुझे पता चला है उस हिसाब से Redmi Note 13 Pro Plus Snapdragon 7 Gen 1 के प्रोसेसर पर आएगा एंड ये प्रोसेसर 4nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये प्रोसेसर Snapdragon 860 से थोड़ा बेटर है, तो इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस गेमिंग वगैरह में यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड इस फोन में आपको एक फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस मिलेगी। Redmi Note 12 Pro Plus के कंपैरिजन में ये फोन उससे काफी ज्यादा पावरफुल होगा एंड Redmi Note 12 Pro Plus का बाइंग लिंक आपको व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगा, वहां से आप इस फोन को परचेज कर सकते हो। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इस फोन का कैमरा Redmi ने सही से ऑप्टिमाइज नहीं किया तो ये फोन इंडियन मार्केट में ज्यादा पॉपुलर नहीं होगा। हालांकि ये फोन भी 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आएगा, बट इस बार इसके कैमरे में Redmi Sony का ब्रांड न्यू सेंसर यूज करेगा जिससे कैमरा क्वालिटी इस फोन की थोड़ी बेटर हो जाएगी। सेल्फी कैसी होगी इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। ऑफ कोर्स कैमरा में OIS होगा एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा एंड इसका जो डिजाइन है वो Xiaomi 13 Pro के जैसा हो सकता है। पर्सनली मुझे ये लुक एंड डिजाइन काफी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। लीक्स की माने तो डिस्प्ले आपको सेम मिलेगी जैसी Redmi Note 12 Pro Plus में मिलती है, हल्के से माइनर चेंजेस Redmi इसकी डिस्प्ले में कर सकता है। ओवरऑल इसमें आपको डिस्प्ले क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच मिलेगी। अब मैं आपको एक काम की बात बताऊं, इसका प्राइस कम करने के लिए शायद Redmi इस बार इसमें 120 वोल्ट का चार्जर नहीं दे, क्योंकि Redmi Note 12 Pro Plus का प्राइस काफी ज्यादा हो गया था जिस वजह से ये फोन इंडियन मार्केट में ज्यादा सेल नहीं हुआ। तो चार्जर में Redmi कॉस्ट कटिंग कर सकता है और ऐसा हो सकता है कि इसके बॉक्स में आपको 80 वोल्ट का चार्जर मिले एंड भाई 80 वोल्ट भी काफी फास्ट होता है, तो चार्जर में आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये कुछ लीक्स अभी तक इसकी क्लियर हुई है, बाकी देखना ये है कि Redmi कब तक इस फोन को इंडिया में लॉन्च करता है एंड एग्जैक्ट किस प्राइस में ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन का प्राइस 25,000 से कम होना चाहिए। आपके हिसाब से इसका प्राइस क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड आप इस फोन का वेट करोगे या फिर नहीं वो आप मुझे जरूर बताना। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।